हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्ते। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना किचन एंड क्राफ्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल में राजमा। आइए बताते हैं किस तरह से बनता है ये राजमा। बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम राजमा 2-3 घंटे के लिए फुलो के रख दिया था। इसको थोड़ा सा उबाल लेते हैं 2 सीटी लगा के। ज़्यादा नहीं उबालना है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम बता रहे हैं, राजमा कई तरह के आते हैं, लाल राजमा, काले राजमे। ये मैंने चित्रा राजमा का इस्तेमाल किया है। इसमें लाल लाल चिट्टी पड़ी होती है, इसलिए इसको चित्रा राजमा कहते हैं। आइए किस तरह से बनेगा इसको बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैंने कुकर में इसको ले रखा है, धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। हमने उबालने के लिए 1/2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। इसी में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं उबालने के लिए। इसको चेक करने के लिए पानी और राजमा कितना है उस हिसाब से लेंगे। राजमे के ऊपर 1 इंच तक पानी होना चाहिए, इसी तरह से नापेंगे। 1 इंच तक पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो राजमा हमारा अच्छे से नहीं उबलेगा। आइए इसको उबाल लेते हैं, 2-3 सीटी लगाएंगे। राजमा हमारा उबल गया है, 3 सीटी लगाया था। आइए मसाला बताते हैं। तेज पत्ता लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है, जीरा, तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, हींग, लहसुन अदरक, 2 मीडियम साइज के प्याज, टमाटर 2 मीडियम साइज के, 2 हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। गार्निश के लिए धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है। प्याज को बारीक काट के इसका भी पेस्ट बनेगा। टमाटरों को बारीक काट लेते हैं, मिर्चा को भी काट लेंगे बारीक। आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। कुकर को चढ़ा दिया है, इसी में 6-7 चम्मच तेल डाल लेते हैं। थोड़ा सा तेल गरम हो जाने देते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, 2 चुटकी हींग डाल दिया है। हींग बहुत अच्छा लगता है। 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं। एक चम्मच जीरा डाला है। थोड़ा सा इसको पक जाने देते हैं। जो मैंने बड़ी इलायची ली थी उसको क्रश करके डालना है। किसी भी भारी चीज़ से इसको क्रश कर लेते हैं, इसी तरह से इसको डाल देते हैं। इससे स्वाद बहुत अच्छा लगता है। 2 हरी मिर्च बारीक काट ली थी उसको भी डाल देते हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मिर्चों को अगर हम फ्राई कर लेते तो इसका कड़ूपन नहीं पता चलता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हमने 1 चम्मच लिया है। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से राजमा बनाएंगे तो। प्याज का पेस्ट जो बनाया था उसको भी इसी में डाल लेते हैं। इसी में प्याज को डालने के बाद थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक का इसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से चलाते रहेंगे इसको, गोल्डन ब्राउन हो जाए, ताकि देखिए कितना अच्छा कलर आया है प्याज का। थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में, ज़िंदगी में, इंसान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भूल जाता है। थोड़ा सा स्वाद लेके ही चलना चाहिए। जो भी मन करे इसको जो है टेस्ट के रिकॉर्ड खाना चाहिए। इसीलिए मैंने आज राजमा बनाया है अपने स्टाइल में। जिसको जो चीज़ पसंद हो उसको ज़रूर खाना चाहिए। मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसमें बारीक कटे हुए टमाटरों को डाल देते हैं। इसको भी थोड़ा भून लेते हैं अच्छे से। इसका पानी
सूख जाए ताकि टमाटर का, इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे। दो मिनट तक का मैंने टमाटरों को भूज लिया है, इसका पानी भी अच्छे से सूख चुका है। इसमें मसाला ऐड करते हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, आप अपने हिसाब से सादा लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक, नमक हिसाब से ही डालिएगा क्योंकि राजमा में भी हमने डाला था, आधा चम्मच गरम मसाला। सारी सामग्रियों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं मसालों को। मसाले हमारे भून चुके हैं, इसी में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से मसाला पक सके। थोड़ा सा इसको चलाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है राजमा का इस तरह से बनाएंगे तो। घर में इसे ज़रूर बना के देखिएगा जैसे हम बता रहे हैं, बहुत इजी रेसिपी है ये, बिल्कुल कठिन नहीं है। मसाले फ्राई हो चुके हैं, उबले हुए राजमा को इसी में डाल देना है। इसी तरह से सारे राजमा को इसी में डाल देना है। आप कोई सा भी राजमा बना सकते हैं इसी तरह से, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको ऐसे चला लेंगे 4-5 मिनट के लिए। इसको थोड़ा सा ढक के ऐसे ही रख देते हैं, ढक्कन नहीं लगाना है, इसी तरह से ढक के रखेंगे। ये देखिए कितना अच्छा रेडी हो गया है। इसी तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं। अब जितना आपको पानी इसमें मिक्स करना ऐड करना हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। किसी को गाढ़ा खाना पसंद है, किसी को पतला। मैंने 2 गिलास पानी लिया है, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने मीडियम साइज के 2 गिलास पानी डाले हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए मीडियम साइज के गिलास है ये, इसी से मैंने 2 गिलास पानी डाला है। इससे ना ज़्यादा गाढ़ा बनता है ना ज़्यादा पतला, जैसा हमको राजमा चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी होता है। आइए इसको ढक के 3 सीटी लगा लेते हैं। ज़्यादा सीटी नहीं लगाएंगे, नहीं तो राजमा गल जाएगा क्योंकि उबली हुई है पहले से। आइए 3 सीटी लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। आपको राजमा की रेसिपी कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके। देखिए बातों ही बातों में हमारा राजमा भी रेडी हो चुका है। जो हमारे न्यू दोस्त इस वीडियो को देख रहे हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इजी तरह से राजमा को हमने दिखाया है, आइए इसको सर्व करके दिखाते हैं। कितना अच्छा कलर आया है राजमा का, इसी तरह से घर में बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आपको अगर और गाढ़ा पसंद है तो आप इसमें 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। देखिए कितने खिले खिले राजमा हमारे तैयार हुए हैं। आपको वीडियो कैसे लगी हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मक्खन या घी से इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप राइस से, चपाती से, नॉन रोटी से, आप जिस तरह से खा सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा स्वाद लगेगा इसमें। हमारी पंजाबी राजमा तैयार हो गया आपके लिए। आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद। I'm not afraid.